नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपके लिए एक मजेदार कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका नाम है दोस्तों की शरारत। रवि और रमेश दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक दूसरे को हमेशा परेशान करने में लगे रहते थे। एक दिन रवि ने सोचा कि रमेश को सबक सिखाया जाए। उसने रमेश के घर जाकर कहा, यार आज मेरे घर आओ, मां ने बढ़िया खाना बनाया है। रमेश खुश हो गया और तुरंत रवि के घर पहुंच गया। वहां रवि की मां ने उसे बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन जैसे ही खाने की प्लेट सामने आई, रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्लेट में सिर्फ उबले हुए करेले और कच्ची मिर्च थीं। रमेश ने पूछा, ये क्या है। रवि हंसते हुए बोला, अरे भाई ये नया डाइट प्लान है, बहुत फैशन में है, इससे ताकत भी मिलती है और वजन भी घटता है। रमेश ने मजबूरी में करेला खाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। तभी रवि की मां हंसते हुए बोली, अरे बेटा असली खाना तो अंदर है, ये तो रवि की शरारत थी। रमेश को समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। बाद में दोनों दोस्तों ने असली खाना खाया और खूब हंसी मजाक किया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।